नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर के शेरकोट में पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी गई, जिनमें से कहा गया कि 4 से 6 अज्ञात बदमाशों ने हमारी गाड़ी रोककर हमसे 1,51,000 रुपए लूट लिए। जो मालिक सुहेल पुत्र शराफत निवासी गाँव हेवतपुर चौधरिया थाना धनौर जिला अमरोहा ने देवेंदर और मोंटी को शेरकोट में रुपए लेकर अंडा लेने के लिए भेजा था, लेकिन दोनों की नियत खराब हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो घटना संदिग्ध लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने देवेंद्र पुत्र हेम सिंह, मोंटी जो कि हेवतपुर चौधरिया थाना धनौर जिला अमरोहा के निवासी है, पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने रुपए दिखाकर बेईमानी आ गई और लूट की झूठी सूचना पुलिस को दे दी और अपने मोबाइल फोन जो है वो झाड़ियों में छिपा दिए। यानी ये कहा जा सकता है कि इनके पास से जो पैसे हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं, फोन भी बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इन्हें जेल भेज दिया गया है। एडीजी कानपुर जोन ने जिला प्रशासन के साथ मेला श्रीराम नगरिया का निरीक्षण किया। एडीजी जोन आलोक सिंह, आईजी जोगेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर समीक्षा की। एडीजी ने मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे इसके लिए सीओ ट्रैफिक को खाका तैयार करने के निर्देश दिए। मेले में रात में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर बैनर पोस्टर लगाए जाएं। एडीजी ने कहा कि मेले में आने वाले कल्पवासियों की सुरक्षा मुख्य लक्ष्य है, इसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मऊ के हकीकतपुरा में अलाव जलाते समय मोबिल की डब्बा में ब्लास्ट हुआ, 7 लोग झुलस गए। मऊ सदर जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा शहर के लाल ध्रुव जुरेल ने पहली बार भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेलने आ रही इंग्लैंड के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा घोषित पहले 2 टेस्ट की टीम में आगरा के ध्रुव को चुना गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम में चुने गए थे। आगरा कैंट से डिफेंस कॉलोनी निवासी ध्रुव देर रात अचानक सुर्खियों में आ गए। दीपक चाहर, राहुल चाहर के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले ध्रुव आगरा के तीसरे क्रिकेटर हैं। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए अपनी एकादश में ताज नगरी के ध्रुव को चुना है। उत्तर प्रदेश के रणजी ट्रॉफी के रे ध्रुव ने सीजन में अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को प्रभावित भी किया है। ललितपुर जिले के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत देवगढ़ स्थित जंगलों से बीती रात महावीर वन सेंचुरी के चंदन बाग की झाड़ियों में एक तेंदुआ समय फंस गया। जब किसान को सूचना मिली कि तुम्हारे खेत से कुछ आवाजें आ रही हैं, तब कुछ किसान रात में टॉर्च के सहारे खेत पर पहुंचे तो देखा कि एक तेंदुआ झाड़ियों में फंसा हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए किसानों ने पहले तो ललितपुर वन विभाग की टीम को बुलाया। जब वन विभाग की टीम के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था नहीं थी, तब तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन अधिकारी द्वारा कानपुर से वन टीम को बुलाया गया और देर रात टीम आने के बाद तेंदुए को रात करीब 12 से 3 के बीच रेस्क्यू किया गया। झांसी के बुंदेलखंड का एक हिस्सा युवा जो इस वक्त खेती और किसानी में तरह तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसका नाम प्रवीण वर्मा है। प्रवीण वर्मा एक ऐसे पढ़े लिखे किसान है जिन्होंने पराली प्रबंधन में नया काम करने से सभी लोगों को चौंका दिया। प्रवीण ने धान की पराली से मशरूम की खेती करके पूरे बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश में एक ऐसा काम किया है जिससे चारों ओर उनकी प्रशंसा हो रही है। उनको इस काम के लिए सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रवीण इस वक्त पराली से मशरूम की खेती जहां कर रहे हैं, तो वहीं किसानों को एक नई राह दिखाने का भी काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश में इस वक्त प्रवीण वर्मा का नाम गूंज रहा है। अभी हाल ही में उनके द्वारा पराली से उत्पन्न हुए मशरूम से तरह तरह के उत्पाद बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें पहली बार मशरूम का अचार लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि यूं तो मशरूम को आप 3 से 4 दिन ही रख सकते हैं, लेकिन अगर इस मशरूम का अचार बनाया जाए तो उसको साल भर तक आसानी के साथ रखा जा सकता है। उनके साथ एक युवा और होनहार लड़की जो कि बीएससी की छात्रा है, वो भी तरह तरह के उत्पाद बना रही है। बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा आफरीन ने बताया कि उनके मशरूम से तरह तरह के उत्पाद बनाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से चॉकलेट पाउडर और केक मुख्य रूप से है। आफरीन फिलहाल अपनी पढ़ाई के साथ साथ मशरूम के उत्पादों को बनाने में महारत हासिल कर रही है। प्रवीण वर्मा ने बताया कि जिस मशरूम की वह खेती कर रहे हैं, तो आफरीन इस मशरूम के तरह तरह के उत्पाद बना रही है। आफरीन के द्वारा बनाए गए उत्पाद की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं प्रवीण वर्मा ने बताया कि मशरूम की खेती के लिए बहुत छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति एक कमरे में मशरूम की खेती कर सकता है और उसमें बहुत लागत भी नहीं आती।
कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में खजाने के लालच में अराजक तत्वों ने शिव मंदिर का गर्भगृह खोद डाला। जब मंदिर में सुबह पूजा करने पहुंचे भक्तों ने मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास खुदा हुआ देखा तो इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही एसीपी घाटमपुर ने मौके पर पहुंचकर हुए लोगों से जानकारी हासिल कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में गांव के किनारे प्राचीन पाटलेश्वर महादेव मंदिर है। यहां पर देर रात आए अराजक तत्वों ने खजाने के लालच में रात में मंदिर के गर्भगृह में खुदाई की। चर्चा है कि खजाने के लालच में अराजक तत्वों ने मंदिर के गर्भगृह को लगभग 6 फुट गहरा खोद डाला। गनीमत यह रही कि खुदाई के दौरान यहाँ पर शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा सुरक्षित रही, जिसके चलते ग्रामीणों में माहौल शांत बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि मंदिर में खुदाई के दौरान अराजक तत्व खजाने अपने साथ लेकर गए हैं। ये बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायालय में समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि वे उनके सम्मान अधिकार को लेकर पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीपार्चन किया। उन्होंने कहा कि वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय बने रहने की जरूरत है। बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने बताया कि वादकारियों को न्याय के लिए बार बार न्यायालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए सभी को पूरी तरह से गंभीर रहना होगा। जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका निर्वहन वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। बाईस जनवरी अयोध्या नगरी में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भी उत्साह की लहर देखी जा सकती है। राम भक्त इस अवसर पर तरह तरह के आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से कानपुर नगर और कानपुर देहात में 11 लाख दीयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने बताया कि पवन तनय आश्रम की महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे शहर और देहात के घर घरों में इन दीयों को पहुंचाने का काम संस्था द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में शहर के कई जगहों पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर दीयों का निःशुल्क वितरण होगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील भी की है कि आने वाले 22 जनवरी को लेकर हो रहे इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र को सभी राम भक्त राम में करते। बदायूं के सहसावन में चल रहे अवैध दर्जनों नर्सिंग होम कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों मौन, मरीजों से अवैध वसूली कर रहे हैं। नर्सिंग होम में चल रही अब मेडिकल स्टोर और अल्ट्रासाउंड केंद्र पैथोलॉजी लैब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग होम्स में अवैध वसूली कर रहा है, मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा। वहीं आपको बता दें कि नोडल अधिकारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। मेरठ नर्सिंग होम, फैमिली नर्सिंग होम्स, सहसवान, इन नर्सिंग होम्स में अवैध रूप से फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। उनमें से एक मैक्स नर्सिंग होम भी है जहां नकली नोट पकड़े गए थे। अप्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जहां लिंग परीक्षण का कार्य भी काफी लंबे समय से हो रहा है। अवैध रूप से लिंग परीक्षण कर अनचाहा गर्भपात करके मोटे रुपए कमा रहे हैं, जिस पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है। कस्बे के छोराछाप डॉक्टर्स ने उनके अपने सेटिंग बिठा रखी है, जिससे छोराछाप डॉक्टर्स भी कमाई का जरिया बन गए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा सहारनपुर के पंत विहार स्थित आश्रम में लोहड़ी पर्व को बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चियों ने नृत्य के माध्यम से लोहड़ी का संदेश दिया। कार्यक्रम में आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी बहनों ने लोहड़ी के पर्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तू है शक्ति कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर साध्वी सोमप्रभा भारती ने नारी महिमा से ओतप्रोत भजनों का कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चियों ने नृत्य के माध्यम से लोहड़ी का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले धावक कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर का सफर दौड़कर तय करेंगे। दरअसल कार्तिक इंदौर से अयोध्या की दूरी दौड़कर तय करने वाले हैं। इसके लिए उनकी दौड़ 5 जनवरी से शुरू हुई है और 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे और झांसी में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 14 दिन में ये सफर तय करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले धावक कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर का सफर दौड़कर तय करने वाले हैं। कार्तिक इंदौर से अयोध्या की दूरी दौड़कर तय करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया की तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन भारत आज भी हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है। तमाम विरासतों को संभालने का कमाल हिंदुस्तानियों के पास है।
श्री राम हजारों साल पूर्व अवतरित हुए थे, लेकिन उनकी हजारों वर्ष की परंपरा से हर भारतीय जुड़ा हुआ है। विरासत को संभालने की परंपरा और इसके लिए हर स्तर के संघर्ष का ही प्रतिफल है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सीएम योगी शनिवार को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2024 के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास, लोक परंपरा और लोक संस्कृति को संजोना भारत की विशेषता है। संरक्षण की यही भावना भारत को बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को लक्षित कर संस्कृति और आस्था पर आघात करने वालों को परास्त और पदलित कर उनका भारतीयों ने नामोनिशान मिटा दिया और आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व और त्यौहार अद्भुत है, इनके जरिए उन लोगों तक भी भारतीय संस्कृति का संचार होता है जो किन्हीं कारणों से इसे जानने से वंचित रह गए हों। दीपावली, होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे पर्व इसके उदाहरण हैं। इन सभी पर्वों में विशेष संदेश निहित है, इसी तरह महोत्सव को भी संदेश देने का वाहक बनना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।